फारबिसगंज में दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान शहर में विधि व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार की देर शाम आदर्श थाना फारबिसगंज के परिसर में एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला ने डीएसपी व थानाध्यक्ष सहित अन्य सभी कनीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर ट्रैफिक प्लान बनाया। बैठक के उपरांत एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला व डीएसपी राम प्रकार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि दुर्गा पूजा के अष्टमी व नवमी को संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक शहर के सदर रोड से ज्योति मोड़ सुभाष चौक तक व सुभाष चौक से सदर रोड पटेल चौक तक साइकिल, बाइक, ऑटो, सिटी रिक्शा व चार चक्का वाहन सहित सभी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मुख्य रूप से एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला के अलावा डीएसपी राम पुकार सिंह, सीओ संजीव कुमार, नपीओ दीपक झा, प्रभारी अंचल निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। शहर में दो दिन के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान को किया है, उसमें तीन जगह वाहन, एक बस स्टैंड, दूसरा गोड़ीहारी चौक और तीसरा जो गौशाला है उसके सामने जो मार्केटिंग है वहाँ पर स्टैंड का निर्माण किया जाएगा ताकि बाहर के लोग आएँ तो वहाँ आसानी से गाड़ी को पार्क करें। जो मुख्य मार्ग है शहर का सदर जो पोस्ट ऑफिस होते हुए आती है थाना तक, और दूसरा मार्ग है सुभाष चौक होते हुए जो ज्योति सिनेमा हॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसमें हम लोग संध्या पाँच बजे से अगले 2 बजे रात्रि तक किसी भी प्रकार साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पू, किसी भी प्रकार के वाहन का हम लोग आने जाने से रोक दिए हैं, उसको हम पार्किंग की व्यवस्था किए हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग बाहर से यहाँ घूमने आते हैं, उनको एक सुखद आनंद हो, किसी प्रकार की उनको कठिनाई और उनके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। हम लोग ने स्थानीय लोगों से भी अनुरोध किया है कि 5 बजे के बाद जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं वो वाहन का परित्याग करें और वाहन नहीं निकालें। जो शहर में आने वाले लोग हैं, बाहर से जो आने वाले हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो कॉलेज मोड़ से हो प्रोफेसर कॉलोनी होते हुए जाती है गुड़ियारी तक और उधर से कस्टम की ओर जाता है, तो ये पूरे शहर को जोड़ देता है रोड, तो उसमें से चार पहिया वाहन जो व्यावसायिक वाहन नहीं बल्कि जो निजी वाहन चार पहिया है उसका उस रास्ते से प्रयोग वो लोग कर सकते हैं। के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक बस स्टैंड का निर्माण किया है और इसमें किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चलने से जो बाहर के लोग आते हैं वो एक सुखद आनंद लेकर के जाएंगे। और इसी इर्द गिर्द में लगभग हमारे शहर में 15 मूर्तियां हैं, इस जो ये ट्रैफिक प्लान है उसमें हमारे यहां 10 मूर्ति है जो 10 पंडाल में जो देवी का स्थापित किया गया है उसके इर्द गिर्द है और उसमें आसानी से ये लोग घूम सकें और जो भी है उनकी आस्था है उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्लान किया गया।